कक्षा 6 व 7 की प्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का आकलन नंबर 5 हल करेंगे, पेज नंबर 54 पर। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान बताइए। यहाँ हमें ये संख्या दे रखी है, इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात नहीं करके जो संख्या बॉक्स में लिखी हुई है केवल उसी अंक का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 400। 4 के पीछे 2 अंक हैं तो कितनी जीरो लगा दी? 2। और 3264 में 4 का स्थानीय मान 4, क्योंकि ये इकाई का अंक है, इसके पीछे कोई अंक नहीं है। खैर, 12370 में 7 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 70। 32721 में 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700। यहाँ सैकड़ा का अंक है और उसके पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दी गए। 58001 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8000। 5008 में 8 का स्थानीय मान होएगा 8 गए। 32438 में 2 का स्थानीय मान होगा 2000। 2 के पीछे 3 अंक है तो यहाँ 3 जीरो हमने लगा दी तो स्थानीय मान कितना हुआ? 2000। यहाँ 7 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है, 7 के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दी, 7 का स्थानीय मान होगा 700। प्रश्न नंबर 2, विस्तारित रूप की संख्या लिखे। यहाँ हमें विस्तारित रूप में संख्या, विस्तारित रूप दे रखा है, उसकी हमें संख्या लिखनी है। तो यहाँ हमें इकाई का अंक दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का अंक दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000। तो हमने इकाई का अंक 7, हजारवा अंक 7 और 10000वा अंक 7, इससे संख्या बनी है 77007। यहाँ पर इकाई का अंक नहीं है, दहाई का अंक 4, सैकड़ा का अंक 5, हजार का अंक 8 और 10000 का 9। तो यहाँ इन सभी अंकों को मिलाकर हमने संख्या बनाई है 8000 प्लस 90000 प्लस 500 प्लस 40 से 98540। तीसरा प्रश्न इसी का, यहाँ इकाई का अंक है, दहाई का अंक नहीं है तो उसकी जगह जीरो लिखेंगे, सैकड़ा का अंक है 2 और हजार का अंक है 3। 3000 प्लस 200 प्लस 9, इससे बनी है 3209। यहाँ इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 7 और हजार का अंक 1। 100 प्लस 2 प्लस 70, इससे संख्या बनी है हमारे पास 172। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ हमें संख्या दे रखी थी, उसे विस्तारित रूप में लिखना था। इस ऊपर वाले प्रश्न में हमें विस्तारित रूप दे रखा था और उसकी हमने संख्या बनाई थी, उसका ठीक उल्टा ये। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के अंकों को हम छाट कर इकाई, दहाई, सैकड़ा व हजार वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 6, सैकड़ा का अंक 0 और हजार का अंक 8 है। तो 8064 को हमने विस्तारित रूप में लिख दिया। खै 1393, इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 9, सैकड़ा का अंक 3 और हजार का अंक 1। तो यहाँ पर हजार पर 1, इकाई पर 3, दहाई पर 9, सैकड़ा पर 3। अगला क्वेश्चन है गए 56990। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 9, सैकड़ा का अंक 9, हजारवा अंक 6 और 10000वा अंक 5। तो 10000 के अंक पर 5, हजार पर 6, सैकड़ा पर 9, दहाई पर 9 और इकाई पर 0 हमने सभी संख्याओं को विस्तारित करके लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाएं व नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताएं। यहाँ पर सैकड़ा और इकाई दो अंकों को हमें आपस में बदल देना है। सैकड़ा के स्थान पर हम इकाई का अंक और इकाई के स्थान पर सैकड़ा वाला अंक रखेंगे। तो पहली संख्या है 952, यहाँ हमने इकाई और सैकड़ा का अंक आपस में बदल दिया, 9 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 9, तो नई संख्या हमारे पास बनी है 259। मूल संख्या 952 और 259 का अंतर हमने निकाला तो कितना है? 663। खै 403, इस मूल संख्या, इसके हमने इकाई और सैकड़ा के अंक आपस में बदल दिए तो 304 नई संख्या बनी है। 403 में से 304 को घटाया तो हमारे पास अंतर आया है 99 गए। 8540
इसमें इकाई व सैकड़ा के अंक आपस में बदलने पर नई संख्या बनी है 8,045। यहाँ 5 के स्थान पर 0 और 0 के स्थान पर 5। मूल संख्या 8,540 में से 8,045 को घटाया तो हमारे पास अंतर आया है 495। 97,012, इसमें इकाई और सैकड़ा के अंक आपस में बदलने पर नई संख्या बनी है 97,210। यहाँ हमने मूल संख्या और नई संख्या का अंतर निकाला तो हमारे पास अंतर आया 198। इस प्रकार हमारा आकलन नंबर 5 पूरा हुआ।